भारतीय खेलकूद क्षेत्रीय प्रतियोगिता शुक्रवार से MIT खेल मैदान में होगी। सादातपुर स्थित भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के कार्यालय में क्षेत्रीय खेलकूद के प्रमुख धनीश्वर नाथ ने बताया कि 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई। इस प्रतियोगिता में प्रांत के सभी सरस्वती विद्या मंदिर के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता का समापन 30 सितंबर को होगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। मौके पर डॉक्टर अंगज कुमार, अजय कुमार, अंकित कुमार, ललित कुमार राय आदि मौजूद रहे। लोक शिक्षा समिति उत्तर बिहार के तत्वावधान में यह उत्तर पूर्व क्षेत्र का यह 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। यह स्थानीय MIT के मैदान में कल से इसका विधिवत आयोजन होगा। इस आयोजन में उद्घाटनकर्ता बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति एवं बिहार सरकार के राज्य जल शक्ति मंत्री सह स्थानीय सांसद राजभूषण चौधरी जी उसमें उपस्थित रहेंगे। साथ ही इस शहर के गणमान्य गण की उपस्थिति उसमें रहेगी। और इस 4 दिन में जो हमारे बच्चे पूरे क्षेत्र से, बिहार और झारखंड से जो यहाँ आएंगे, उनकी रहने की व्यवस्था इस विद्यालय के प्रांगण में है। और इस मुजफ्फरपुर वासियों से हम अपील भी करते हैं कि आप यह जो पूरे क्षेत्र से आने वाले बच्चे हैं, उनका जो कार्यक्रम होने वाला है, उसमें आप लोग अपना सहयोग करके मुजफ्फरपुर का मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। और किसी प्रकार यहाँ जो बच्चे हमारे अतिथि के रूप में आ रहे हैं इस मुजफ्फरपुर की धरती में, कल से यहाँ मुजफ्फरपुर में जो अपनी विद्या भारती योजना की इकाई है लोक सेवा समिति, उसके तत्वावधान में 4 दिवसीय प्रांत स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें उत्तर बिहार जो किशनगंज से लेकर और इधर चंपारण तक जो गंगा इस पार का जो उत्तर बिहार है, उसके समस्त विद्यालयों के भैया बहन यहाँ एथलेटिक्स खेलकूद के दृष्टि से 3 वर्गों में उपस्थित होंगे, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19। तो ऐसे इन सभी विद्यालयों में चलने वाले जो अपने प्रांत में विद्यालय हैं, उनके सभी भैया बहन कल से यहाँ खेल के लिए पहुँचना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि विद्या भारती का उद्देश्य ही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से। तो उसी की इकाई है शारीरिक, जिसके द्वारा उसका एक पार्ट खेलकूद है। और इस खेलकूद के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा जो आयोजित SGFI प्रतियोगिता होती है, तो पहले विद्यालय से, फिर जिला से, विभाग से होते हुए वो प्रांत स्तरीय खेलकूद में भाग लेते हैं, और यहाँ से फिर जीतने के बाद वो क्षेत्र में, और फिर क्षेत्र से अखिल भारतीय, जो विद्या भारती को एक राज्य का दर्जा दिया SGFI ने, वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, और फिर वहाँ से जीतने के बाद वो SGFI जाएंगे। तो ऐसे सभी बच्चों का विकास हो, इस दृष्टि से इस खेल का आयोजन किया गया है। दिनों के आयोजन करेंगे? ये 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता है जो कल से प्रारंभ होगी। इसमें क्या है, चयन का क्या कुछ है इसका? इसमें एथलेटिक्स के जो 3 प्रकार हैं, दौड़, कूद और फेंक, इन तीनों विधाओं की प्रतियोगिता होनी है। इसमें कुल 44 इवेंट्स हैं जिनकी प्रतियोगिता कल से प्रारंभ होगी। अलग अलग इवेंट के प्रोग्राम होंगे? हाँ जी, इसमें दौड़ के कई प्रकार हैं, कूद के 4 प्रकार हैं, थ्रो के 4 प्रकार हैं, और वो तीनों वर्ग, इसको बाल, किशोर, तरुण, अंडर 14, 17, 19 के रूप में लोग जानते हैं, ऐसी सारी प्रतियोगिताएं कल से आयोजित होगी। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाई IAO एंड एफिलियेटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।